दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर को लेकर के जहां एक तरफ लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब से नागरिकता संशोधन बिल ने कानून की शक्ल ली है तब से लगातार इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा, केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी हम अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद फिर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक और बड़ा कदम उठाया है जो कि सीए के खिलाफ है। ये कौन सा कदम है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि नागरिकता संशोधन कानून के अंदर सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने की जरूरत है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 11 राज्यों के अपने समकक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र और धर्म बच्चा को बचाने के लिए सभी भारतीयों का एकजुट होने का समय है और सबको एकजुट होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, जिसमें सीए और एनआरसी पर रोक लगाने की बात कही है, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए मांग कर दी है। अब ये कौन कौन से स्टेट है थोड़ा विस्तार से जानते हैं दोस्तों। इसमें जो है झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के सीएम को उन्होंने पत्र लिख करके कहा है कि जिस तरह से हमने अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, आप सभी लोग सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें और अपने प्रदेश में इस कानून को लागू ना होने दें। आप सभी को पता होगा जितने प्रदेशों के मैंने नाम लिए हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है अगर इन प्रदेशों ने भी कहीं ना कहीं इस सीए के खिलाफ अगर किसी तरह का स्टेप लिया और अगर इसी तरह का प्रस्ताव पास किया तो कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये जरूर कह रही है कि हम सरकारों से बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वो समझाने में कामयाब हो पाएगी ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। जब जनता को नहीं समझा पा रही तो सरकारों को क्या समझाएगी, ये मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर